नेचर बॉय की तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार। तो देखिए, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि लिविंग कॉस्ट बताइए अपडेटेड वर्जन, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि वार का इफेक्ट से कुछ रेट बढ़ेगा कि नहीं, या फिर आफ्टर कोविड के बाद रेट बढ़ेगा कि नहीं। तो मैं सोचा कि चलो भाई अपडेट कर देता हूँ, तो मैं ज़्यादा घुमाऊँ फिराऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो देखिए, स्पेशली मैं मिलान की बात कर रहा हूँ, बाकी शहर का आप लोग इससे 100 से 150 यूरो कम मान लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा बाकी शहरों से, ठीक है ना। तो देखिए, मिलान के बारे में बात करते हैं। देखिए, मिलान में जो रूम है ना, शेयरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल रूम की नहीं बात कर रहा हूँ मैं। शेयरिंग अगर आप ले रहे हो यहाँ पे, तो मिनिमम आपको 450 यूरो पर मंथ पे करने पड़ेंगे, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको 450 या 400 से नीचे मिल गया तो बहुत ही लकी हो मिलान में, अगर 400 से नीचे मिल गया तो 450 × 12 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 5400 यूरोस आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से एडिशनल कॉस्ट्स होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि ये इस सब कॉस्ट के अलावा और क्या होते हैं। तो एक साल में लगभग आपको 350 यूरो मान के चले फिक्सड है, क्योंकि हर एक साल आप अपना जो परमेश्वर रहेगा और रिन्यूअल कराओगे तो उसको 300 यूरो लगते हैं, और बाकी के मतलब ट्रांसपोर्टेशन का हो गया तो 350 यूरो मान लीजिए। तो 350 प्लस 540 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 5800 और 5900 यूरोस कुछ हो गया, ठीक है ना, पर मंथ। मैं वन ईयर का बोल रहा हूँ। और आपको स्कॉलरशिप कितना आता है, 4400 यूरोस आपके हाथ में आता है। मैं खाने पीने का जो DSU का फूड वाला रहता है वो कूपन छोड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें 4400 यूरोस आपके हाथ में आते हैं, तो आपका ईयरली खर्चा कितना हो रहा है, 5800 हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब 1000 यूरो का गैप आ रहा है। तो जो 1000 यूरो है ना, तो वो आपको अपने खुद से पॉकेट से पे करना पड़ेगा। 1000 से आप भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। या फिर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करो, जो भी जो मर्जी करो, लेकिन जो मिलान में जितने स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको सफिशिएंट नहीं हो पाता है। जितने भी स्कॉलरशिप आए हैं, स्कॉलरशिप से मतलब जितने भी बच्चे को स्कॉलरशिप है ना, ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं हो पाता है। अगर हाँ, ये सफिशिएंट कब होगा, अगर आपको मान लेते हैं यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन बाई लकी, अगर आपको यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन मिला है तो जो ये अमाउंट है ना वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो अकोमोडेशन बहुत ही सस्ता रहता है, तो अमाउंट सफिशिएंट हो जाएगा, आपको घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया खर्चे के बारे में। चलिए खाने पीने के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अप्रोक्सीमेटली आप कैसे भी खाए ना, अगर आप 100 यूरो, अगर मान लो 100 यूरो खाने पीने पर लगा दे रहे ना, तो समझिए आप एकदम राजा की तरह खा रहे हो। एक नंबर का खाना मिलेगा 100 यूरो में, महीने के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये मिलान में। तो 100 यूरो बहुत है, तो 100 यूरो एक मंथ का ले लीजिए, ठीक है ना। तो 1 × 12 कर लीजिए, तो 1200 यूरो खाने पीने का रख लीजिए। तो जितने भी बच्चों को स्कॉलरशिप रहता है DSU का, तो उनको मतलब हमको डेली 5 यूरो मिलता है, तो उससे हम लोग खाना पीना जो भी खरीद फरीद सकते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैंने खाने का नहीं जोड़ा, लेकिन जो जिसके पास स्कॉलरशिप नहीं, जो प्राइवेट में आ रहा है, उसको 1000 यूरो मान के चलिए खाने पीने पर आपको एक साल। तो ये हो गया मिलान में रहने का खर्चा। रूम कैसे बुकिंग करना है वगैरह वगैरह ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बताया हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ वेबसाइट के नाम डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके रूम अपना सर्च कर सकते हो। लेकिन बात ध्यान में रहे, बहुत ही फ्रॉड होते हैं, तो आप जो भी करिएगा आराम से पढ़ लिख के पूरा इंक्वायरी से करिएगा। मैं ऐसे एरो का वेबसाइट नहीं डालूंगा, जो भी ट्रस्टेड है वही वेबसाइट डालूंगा। हाँ, आपको जिससे एक सुबीतो हो गया और एक फेसबुक हो गया, ये दोनों पे थोड़ा सा ध्यान से रखना है। तो एडवांस में कोई पैसा देगा तो पैसा मांगेगा तो मत दीजिएगा, और बाकी का सब और यही कुछ, और कुछ नहीं था। हाँ, और एक बात और है, जब भी आप यहाँ पे आते हो ना, जब से कॉन्ट्रैक्ट जब लिखते हो, तो मतलब एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, किसी का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है घर का, ठीक है ना। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए आप अक्टूबर में या फिर नवंबर में यहाँ पर आए, ठीक है ना, इटली में, तो आपको एक साल का लेना, तो क्या होता है वो अगले सेप्टेम्बर अक्टूबर तक जाता है। तो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम्स वगैरह है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, वो जून जुलाई तक ख़त्म हो जाता है। तो जुलाई अगस्त अप्रॉक्सीमेट, अगस्त पूरा अगस्त 100% सबका छुट्टी रहता है। अगर आप पहले एग्ज़ाम ख़त्म करो, जुलाई भी आपका छुट्टी रहेगा, तो मतलब 2 महीने छुट्टी रहता है। तो इस महीने में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग यूरोप में कहीं घूमने जाते हैं या फिर इंडिया बैक जाते हैं। तो एक महीना जो रहता है ना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, तो ट्राई करना कि जुलाई तक ही लो, ताकि आपके एक महीने का जो है ना, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो घर जाने के लिए या फिर कहीं घूमने के लिए, तो एक महीने का जो आपका किराया रहेगा बच जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अगस्त सितंबर तक करवा रहे हो, तो
आपको एक महीने का, भले आप रहो या ना रहो, लेकिन एक महीने का किराया भरना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 400 यूरो बहुत होता है। 400 यूरो में आप इंडिया में आ जा सकते हो और फिर आराम से यूरोप में घूम सकते हो। तो बस यही सब बातें थी, मैं छोटा अपडेट कर दूँ, बहुत से लोग पूछ रहे थे। और चलिए, और किसी वीडियो में ऐसे कुछ बातें मिलते हैं तो अपडेट करते रहूँगा। चलिए, बाय बाय, छाओ छाओ, जय हिंद।